हम सबको मालूम है पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम पे राज किया और भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली की किसी गली की, किसी मोहल्ले की और किसी भी शौचालय की सफाई नहीं करी और नतीजा ये हुआ कि पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा हो गया। और आज की अगर बात करें तो वो कूड़ा दिल्ली में जा जा के बड़े बड़े 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से उठाकर बाहर कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को नगर निगम में दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, दिल्ली की जनता ने नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और एक मौका दिया कि दिल्ली को कैसे साफ सुथरा बनाया जा सके। और जब चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी और उसमें से जो एक गारंटी थी वो थी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना और दिल्ली को नंबर 1 सिटी बनाना, तो उसी के मद्देनज़र अब दिल्ली में एक सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मेगा क्लीनिनेस ड्राइव, मेगा जो है सफाई अभियान, जिसका आज दूसरा दिन रहा। इस सफाई अभियान का नाम है अब दिल्ली होगी साफ। और ये जो हमारी राजधानी दिल्ली है, जो सफाई और जो हमारी पूरी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की एक शुरुआत हुई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार इस अभियान के अंतर्गत पूरी दिल्ली में 250 वार्ड जो है हमारी दिल्ली में, सभी में ये अभियान चलाया जाएगा और पूरे साल ये अभियान चलेगा। और इसके अंतर्गत 3000 लोगों की टीमों का गठन हुआ है और हर टीम 50 गलियों का जो है निरीक्षण करेगी और जहाँ जहाँ कूड़ा दिखेगा उन पॉइंट्स को, जो हमारी नगर निगम की ऐप है 311, फोटो के साथ उन पॉइंट्स को ऐप में अपलोड करेगी और तुरंत जैसे ही फोटो अपलोड होगी नगर निगम के कर्मचारी जो हैं उन पॉइंट्स में जाके वहाँ की सफाई करेंगे। और इसी अभियान के अंतर्गत जितने भी हमारे दिल्ली के पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सब मिलकर, हम सब मिलकर पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। और अब जितने भी हमारे अधिकारी हैं, डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि उनके जो जोन हैं, जोन में आने वाले वार्ड्स हैं, उन वार्ड्स में जहाँ जहाँ जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन पॉइंट्स में हमारी कोशिश रहेगी कि बार बार जो जनता या लोग हैं वहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दिल्ली में जहाँ पर रोज़ रोज़ छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ जैसे बन जाते हैं। उन वल्नरेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पर डेली सफाई की जाएगी और उन एरियाज़ को ब्यूटिफिकेशन का काम हम उन एरियाज़ में करेंगे ताकि वहाँ पर बार बार कूड़ा जमा ना हो। और इसीलिए जो हमारा सपना है कचरा फ्री दिल्ली, गार्बेज फ्री दिल्ली, उसका जो हमने सपना देखा है, दिल्ली की जनता ने जो सपना देखा है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपना देखा है, अब वो सपना जो है वो वास्तविकता में बदलने वाला है। तो अब हम सब पूरी दिल्ली की जनता को आश्वासन देते हैं, जो हमने 10 गारंटियां दी, पहली गारंटी हमने पूरी करी कि कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन मिले, वो गारंटी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी हुई। अब जो हमारी दूसरी गारंटी है दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की, उस गारंटी की भी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में आप दिल्ली को एक साफ सुथरा, जैसे लंदन न्यूयॉर्क जैसी सिटी जैसा पाएंगे।